दिया जाए, कैसे देखा जाए इसको? धनंजय जी, एक तो जो आप कह रहे हैं और मैं एक समझ रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है वो प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर की राजनीति हमेशा उन्होंने की, खास करके जब 2010 के बाद, मतलब जब 14 के बाद कह लीजिए, 14 में जो प्रकरण हुआ और नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से, गठबंधन से और आरजेडी के साथ सरकार बनाई, उसके पहले सब नॉर्मल चल रहा था, जब तक अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, सब सहज चल रहा था। राजनीति भी देखिए, मोदी जी के आने के बाद देश की पूरी बदल गई। तो नीतीश कुमार उसके बाद उनके खिलाफ जिस तरह से, आप याद कीजिए कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान को इस्तेमाल किया गया, उनकी सीटें कम कर दी गई, उसके अलावा जो है उनके कई नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई, जो आरसीपी सिन्हा थे वो किस तरह से लगाए गए इन सब कामों में, मांझी जी को किस तरह से उकसाया गया, वो तमाम चीजें हैं। वो नीतीश को एक खास बात है कि नीतीश कुमार कुछ भूलते नहीं है, समय के अनुसार वो बदला लेते हैं, और बीजेपी से बदला भी पूरा उनका हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ बदला, इसलिए कि उनको मौका मिल नहीं पाया अब तक उनको, और वो बार बार वो इस तरफ उस तरफ, वो उनकी एक जो स्वभाव उनका है, उस स्वभाव के अनुसार उन्होंने बिहार को ये रखा कि बिहार की तरक्की सबसे इम्पोर्टेंट है, या बिहार को इस लेवल पे हम ले जाना चाहते हैं, जो मैं चाहता हूँ वही करना होगा। और बीजेपी जब लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार के खिलाफ, उसके पहले कितना कहा जा रहा था कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, फलाना है, और जिस तरह से सम्राट चौधरी को लगाया गया था पूरा एकदम, क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी ने, कोई सेंटेंस है जो छोड़ दिया? विजय सिन्हा ने क्या नहीं बोला, तमाम लोगों ने बोला, लेकिन फिर वही नीतीश कुमार को लाना पड़ा, चूंकि ये मोदी जी को पता चल गया था कि भाई हम जीत नहीं पाएंगे बिना नीतीश कुमार के लाए बिहार, और फाइनली नीतीश कुमार ने अपना महत्व साबित किया, जनता ने साथ किया। नीतीश कुमार तो अपना कमल का फूल लेकर के घूम रहे थे, और बड़े कारुणिक और बड़ा एकदम, जिसको कहें कि बड़ा दया आ जाती थी, वो सीन, वो वीडियो देख करके दया आ जाती कि एक इतना ताकतवर नेता इतना कमजोर कैसे हो गया, लेकिन बिहार की जनता ने उनको सीटें दी और वो ताकत वापस दिखाई पड़ी। अभी जो चुनाव हो रहा है राजीव भाई, 2024 का जो चुनाव है, एक तो बिहार को स्पेशल राज्य का जो दर्जा दिए जाने की बात थी उसको खारिज कर दिया जाना जो है नीतीश कुमार के लिए झटका है। दूसरा, नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि जो आरक्षण को लेकर के उन्होंने 65% किया था, पिछड़ों का परसेंटेज बढ़ाया गया था, वो नवम अनुसूची में शामिल करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार को, ये नीतीश कुमार जानते हैं। उसके अलावा जाति सर्वेक्षण जो कराया था और 1,95,000 परिवारों को जो 2 लाख देने की बात कही थी, उसके लिए भी उनको फंड चाहिए, अब उसको उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं वो भी देखने वाली बात। एक और महत्वपूर्ण बात मैं करूं कि ये जो अभी पिछली बार चिराग पासवान को लगाया था, अभी 2 साल से लगे हुए हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर को किसने खड़ा किया? आप अगर बिहार की जमीन पे जाकर के, या जो हमारे जयशंकर भाई है वो ज्यादा डिटेल बताएंगे और आपको, चूंकि उनके पास बिहार की जानकारी होगी, प्रशांत किशोर को किसने खड़ा किया है? प्रशांत किशोर को आरएसएस ने खड़ा किया है, और उनकी जितनी सभाएं हो रही हैं उसमें आरएसएस और बीजेपी के नेता साथ रहते हैं, वो सारी प्लानिंग होती है, पूरी बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की जा रही है, और उस प्लानिंग में हमला किस बात पे करता है? कहीं वो सांप्रदायिक राजनीति पे हमला करते नजर नहीं आते, वो हमला करते हैं वही जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है उस पर हमला करते दिखाई पड़ते हैं। तो नीतीश कुमार को यह भी एहसास है कि प्रशांत किशोर का इस्तेमाल फिर करने जा रही है बीजेपी दूसरे तरीके से। तो अब नीतीश कुमार चूंकि 2025 में वापस वो चाहते हैं कि हमको सफलता मिले, तो सफलता वो कैसे मिलेगी इस पे अभी तक वो जो प्लानिंग है उनकी, वो हालांकि नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनकी प्लानिंग पता नहीं चलती है कब क्या कर देंगे, लेकिन एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि नीतीश कुमार घिर गए हैं, वो उनको घेर लिया गया, उनके करीबी हंस को ईडी के छापा मार दिया गया, उसके पहले उसको छापा मार दिया गया, ये सब गप चलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा नीतीश कुमार को कमजोर करने की। लेकिन जो नीतीश कुमार को जानता है उसको पता है कि नीतीश कुमार इन बातों पे आते नहीं है, उन्होंने बहुत लड़ाई, बड़ी गहरी लड़ाई लड़ी है, वो नरेंद्र मोदी जी की तरह कोई उनको जो है माथे पर ढोकर के लाया नहीं, आरएसएस जैसा कोई संगठन उनके पीछे नहीं था जो उनको ढोकर के लाया है माथे पर कि बन जाओ मुख्यमंत्री और बन जाओ प्रधानमंत्री, अपनी लड़ाई लड़ी है और मुख्यमंत्री बने वो, और आज तक मुख्यमंत्री हैं। तो वो जो है बीजेपी की, बीजेपी ने कई बार उनको धोखा दिया, खास करके नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी है, और इस बीजेपी के धोखे से वो परेशान हैं। हालांकि आप देखिए उसी मनाने के क्रम में ही आप समझ लीजिए कि जो सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतारी,
बाल कटवा लिया, अब उसको हटा भी दिया गया है अध्यक्ष पद से। क्या किया, क्या शपथ ली थी सम्राट चौधरी ने? सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे तब ये पगड़ी पगड़ी उतरेगी। और सम्राट चौधरी को लाया ही इसलिए गया था, बीजेपी ने लाया था कि ये जो लव कुश कहा जाता है कि लव कुश जो है वो बीजेपी की ताकत है, तो कोयरी और कुर्मी, तो कुर्मी के वोट काटने के लिए लाया गया सम्राट चौधरी को। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी ने किसी कोयरी को वोट टिकट नहीं दिया। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जिसको नीतीश कुमार भी पसंद करते हैं, उसको हरा दिया गया। और हराने में सम्राट चौधरी की भूमिका ये सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह के पीछे वो खड़े थे। जी तो ये तमाम चीजों से नीतीश कुमार फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है, तो ये छाछ को फूंक फूंक करके पी रहे हैं। और जहां मौका मिलेगा इस बार फिर कहीं दाव चलेंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। एक और बात मैं कहूं कि देखिए, बीजेपी की पूरी राजनीति है पिछले 10 वर्षों की, वो भयावह राजनीति है। उसको राजनीति नहीं कहते, मैं उसको कहता हूं कि वो आप राजनीति नहीं कर रहे हो, आप जी पूरे देश के वातावरण को, चाहे राजनीतिक वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो, आर्थिक वातावरण हो, धार्मिक वातावरण हो, सारे वातावरण में आपने प्रदूषण फैला दिया है। और अब बताइए कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री आती है बोलने के लिए और आप ये जारी करते हो, पीआईबी जारी कर रहा है और फलाना जारी कर रहा है, वित्त मंत्री बोल रही है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। क्यों मुख्यमंत्री को झूठ बोलना पड़ रहा है? अगर मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है तो वीडियो दिखाइए कि कितनी देर उनको बोलने दिया गया, कब दिखाए, आप उस तरह कीजिए ना। आप बयानबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए अमित शाह आए महाराष्ट्र, क्या बयान दिया? बयान दिया कि शरद पवार जो है भ्रष्टाचार के किंग पिन है। अरे क्या बोल रहे हो भाई, अगर भ्रष्टाचार के किंग पिन थे शरद पवार तो आपने पद्म विभूषण क्यों दिया? नरेंद्र मोदी को गुरु क्यों मान रहे थे? गुरु अगर मान रहे हैं तो भ्रष्टाचार को कैसे पकाया जाए? नरेंद्र मोदी है तो शरद पवार ने क्या जवाब दिया? हालांकि इसका बड़ा भारी रिएक्शन है और महाराष्ट्र में इसका भी नुकसान होगा उनको, बीजेपी को वापस। तो ये जो राजनीति कर रहा है, मुझे लगता है ये बहुत भयावह राजनीति है, ऐसी राजनीति होती नहीं है। पता नहीं कहां ले जाना चाहते हैं देश को और अपनी पार्टी को भी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी की राजनीति और इस इन सब के बीच नीति आयोग की पहली बैठक इस 17वीं लोकसभा के बाद, और यहाँ से जो तस्वीर दिखाई दे रही है और उस तस्वीर पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में कहीं ना कहीं नीतीश बाबू और ममता बनर्जी विपक्ष की नेता हैं, विपक्ष की मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दलों में से एक, और उनका नाराज होना चलिए थोड़ी देर के लिए उसको जायज मान भी लें, लेकिन नीतीश बाबू का नहीं आना क्या मायने रखता है? और इस से चर्चा दिन भर हो रही है। सिंपली देखा जाए तो बहुत, जयशंकर जी जरा आपके पास आना चाहता हूं, ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं आए, सीएम डिप्टी सीएम आ गए, लेकिन